तो गाइस आज की शुरू पे हम सीखने वाले गेमिंग चैनल के लिए शॉर्ट्स ओवरले क्रिएट करना। तो अभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कितना बढ़िया है हमारा ओवरले यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आप भी इस तरह सेम टू सेम अपने गेमिंग यूट्यूब चैनल के लिए ओवरले क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत आसान तरीके से यहाँ पर मैंने सिखाया है। सो उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर पिक्सलैब एप्लीकेशन ओपन कर देना है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से न्यू टेस्ट पर आपको डबल टैप कर देना है, देन अपने यूट्यूब चैनल का यहाँ पर आप नाम टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैंने क्लाइंट के लिए एक वर्क किया था तो उसका ही नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से ए वाले ऑप्शन पर जाकर ए बी फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और कुछ इस प्रकार का फॉन्ट हम यूज़ करने वाले, जो भी यहाँ पर मैं फॉन्ट यूज़ करूँगा उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डाउनलोड करके पिक्सलैब में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद इसको कॉपी कर देना है और सेकंड वाला जो नाम है उस पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर वेट फॉर एंड आपको नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। तो हाँ टाइप कर देना है और एक लाइन में करके थोड़ी सी साइज़ कम करके डैडी नाम के नीचे इस तरीके से प्लेस कर देना है। उसके बाद एक टेक्स्ट ले लेना है और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, जो भी अपने लाइक एंड शेयर सब्सक्राइबर है वो आपको टाइप कर देना है और इसका फॉन्ट कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। तो उसे भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। उसके बाद फिर से एक टेक्स्ट ले लेना है और अपने यूट्यूब का इंस्टाग्राम का नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। तो इंस्टाग्राम का जो है आप यूज़र नेम टाइप कर देना, तो यहाँ पर मैं यूट्यूब का नाम टाइप कर देता हूँ और फॉन्ट कुछ इस प्रकार का, और उसके बाद इसको कॉपी करके इंस्टाग्राम का जो है टाइप कर देना। उसके बाद इसका बैकग्राउंड आपको ट्रांसफर कर देना है कुछ इस प्रकार से, देने से थ्री डॉट में जाकर एक टॉप इमेज में जाना है और डायमेंशन को यहाँ से अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी यहाँ पर कर देना है। तो ये पिक्सल ऐप का काम हो चुका है। अब चलती है पीएसएससी एप्लीकेशन में, पे स्टेश एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर आपको 720 और 12 इंच का एक एमपीटी प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ प्लस में जाके फोटो लेयर में जाना है और सबसे पहले मेरे पैक को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पैक में डाउनलोड कर देना है और कुछ इस प्रकार का एक पार्टिकल की पीएनजी देखने को मिलेगी उसे यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद नीचे वाले लेयर पर जाके एक ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे भी यहाँ पर ऐड कर देना है। सो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, जो पार्टिकल की पेंज है उसे डुप्लीकेट करके लीनियर डॉज यहाँ पर ऑन कर देना। उसके बाद फिर से प्लस में जाके फोटो लेयर में जाना है और अभी हमने जो पिक्सल में टेक्स्ट सेव किया था उसे यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। और सबसे पहले डैडी नाम है उसे हम सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके लेयर फॉर्म सिलेक्शन यहाँ पर आपको कर देना है। और उसके बाद नीचे वाले लेयर पर टैप करके पेसिन वाले आइकन पर टैप करके क्लियर यहाँ पर कर देना है। उसके बाद इसको हाइड करके पोजीशन में जाकर कुछ इस तरीके से मिडल में अच्छे तरीके से प्लेस कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, पॉलीगन सिलेक्शन टूल की मदद से शो पॉइंटर को यहाँ से ऑन कर देना है और डबल डी है उसे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको सिलेक्शन यहाँ पर क्रिएट कर देना है, उसे हम अलग करने वाले हैं। उसके लिए हम सिलेक्शन क्रिएट करके लेयर फॉर्म सिलेक्शन कर देंगे और नीचे वाले लेयर पर टैप करके क्लियर यहाँ पर आपको कर देना है। उसके बाद शो पॉइंट टूल को यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद इसकी सेलेक्ट पिक्सल कर देना है डी ए वाई को और इसके बाद एंड वाले ऑप्शन पर जाकर ग्रेडिएंट में जाना है और यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार का एक ग्रेडिएंट देखने को मिलेगा, जैसे कि नीचे आपको ग्रे टाइप का कलर आपको दे देना है, ठीक है। सो उसके बाद हमें क्या करना है, डबल डी है उसे हमने अलग किया था उसको आपको सिलेक्ट करके सिलेक्ट पिक्सल आपको कर देना है, एंड वाले ऑप्शन पर जाकर ग्रेडिएंट में जाना है और उसके बाद कुछ इस प्रकार का ग्रेडिएंट हम आप ऐड कर देना है, ठीक है, येलो एंड ग्रीन कलर का, ठीक है। सो उसे यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको प्लेस कर देना है। सो ए कंप्लीट करने के बाद आप ये लेयर वाले ऑप्शन पर आपको टैप करके इन दोनों लेयर पर आपको मर्ज डाउन यहाँ पर कर देना है। उसके बाद इसके नीचे एक एम्प्टी लेयर आपको ले लेनी है और उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी सेलेक्ट पिक्सल करके एम्प्टी लेयर पर जाके फिल कर देना है यहाँ से आपको ग्रीन कलर से। सो करने के बाद यहाँ से पोजीशन वाले ऑप्शन पर जाकर थोड़ा सा नीचे आपको हल्का सा लेके आना है और यहाँ से सिलेक्शन टूल की मदद से ऊपर आपको सिलेक्शन क्रिएट कर देने जो हमने एम्प्टी लेयर में लिया था उसके ऊपर, और उसके बाद यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पर जाके क्लियर यहाँ पर आपको कर देना है। सो देख सकते हो तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद इन दोनों लेयर को आपको मर्ज डाउन यहाँ पर कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो सोशल मीडिया का यूजर नेम है उसे आपको कुछ इस तरीके से ऐड कर देना है और इन दोनों को यहाँ पर लेयर फॉर्म सिलेक्शन यहाँ पर आपको कर देना है। और कर देने के बाद हमें क्या करना है, जो YouTube का है कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर देना है और हाँ कुछ इस तरीके से उसके नीचे के आपको एक एम्प्टी लेयर आपको ले लेनी है और सिलेक्शन टूल की मदद से उसके नीचे कुछ इस तरीके से आपको सिलेक्शन यहाँ पर आपको क्रिएट कर देना है। करने के बाद यहाँ से एंड वाले ऑप्शन पर जाकर ग्रेडिएंट में जाना है और कुछ इस प्रकार का ग्रेडिएंट यहाँ पर आपको ऐड कर देना है, हाँ इस प्रकार से। सो उसके बाद एक एम्प्टी लेयर लेके यहाँ से आपको क्या करना है, सर्कल आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा तो उसे आपको सिलेक्शन क्रिएट करके उसके ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक सर्कल टाइप का आपको क्रिएट कर देना है। और करने के बाद यहाँ से एंड में जाके ग्रेडिएंट में जाना है और कुछ इस प्रकार का ग्रेडिएंट यहाँ पर ऐड कर देना है। चाहो तो आप ड्रॉप शैडो भी यहाँ पर देख सकते हो, शैडो वाले ऑप्शन पर जाके ब्लर को कुछ इतना करके, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ी सी साइज़ यहाँ पर मैं कम कर देता हूँ, हाँ ये ठीक रहेगा। सो ये कंप्लीट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इन दोनों लेयर को आपको मर्ज डाउन कर देना है जो हमने एक सिलेक्शन टूल की मदद से क्रिएट किया था। उसके बाद एक डुप्लीकेट लेयर करके इसको रोटेट करके इधर की साइड इस तरीके से प्लेस कर देना है, जैसे कि हमें यूट्यूब का इंस्टाग्राम पर यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है।
सो हाँ इस तरीके से हम प्लेस कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों लेयर को आपको मर्ज डाउन कर देना है और साइज़ इसके जो डेड इन है उसके नीचे आप साइज़ यहाँ पर थोड़ी सी कम होनी चाहिए, उसके बराबर नहीं करना, थोड़ी सी इस तरीके से साइज़ कम करके मिडिल में इस तरीके से यहाँ पर आपको सेट कर देना है। उसके बाद जो नाम है यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम का, उसे आपको पोजीशन में जाके इस तरीके से इसको ऊपर सेलेक्ट कर देना है और इसके सेलेक्ट पिक्सल करके फिल कर देना है यहाँ से आपको ब्लैक कलर से, जैसे कि उस पर अच्छे तरीके से यहाँ पर विजिबल हो, ठीक है। तो ब्लैक कलर आप कर देना, ठीक है। उसके बाद जो यूट्यूब का है इंस्टाग्राम का, उसे भी आपको फिल कर देना है, ठीक है, उस तरीके से प्लेस करके। उसके बाद फोटो लेयर में जाना है और इंस्टाग्राम का जो है उसके साइड में इंस्टाग्राम का प्लेस कर देना है और यूट्यूब का जो है उसके यूट्यूब के साइड में इस तरीके से यहाँ पर आपको प्लेस कर देना है। सो देख सकते हो कुछ इस तरीके से, सो यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। उसके बाद एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है टेस्ट के नीचे और कुछ इस तरीके से डबल डी है उसके नीचे एक प्लेस कर देना है, ड्रॉ कर देना है और इफेक्ट में जाके गोशन ब्लर अप्लाई कर देना है फुल। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको चमक देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, वेट फॉर एंड है उसे कुछ इस तरीके से नीचे के साइड लेके आना है और यहाँ से सिलेक्शन टूल की मदद से, सॉरी ये ब्रश हो गया, जैसे सिलेक्शन टूल की मदद से वेट फॉर एंड है उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। देन यहाँ से लेयर फॉर्म सिलेक्शन आपको कर देना है और नीचे वाले लेयर पर यहाँ पर आपको हाइड कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो फॉर नाम है उसे आपको इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट कर देना है और लेयर फॉर्म सिलेक्शन करके नीचे वाले लेयर पर टैप करके पेंसिल वाले आइकन पर जाके क्रिएट यहाँ पर कर देना है। उसके बाद जो फॉर है उसे आपको सिलेक्शन क्रिएट करके सिलेक्शन में जाके यहाँ से ग्रेडिएंट में जाना है और कुछ इस प्रकार का ग्रेडिएंट यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद इन दोनों लेयर को यहाँ पर आपको मर्ज डाउन यहाँ पर कर देना है। सो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइबर है उसे आपको यहाँ से आपको सिलेक्शन यहाँ पर क्रिएट कर देना है उसके ऊपर, यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पर जाके एक्सट्रैक्ट यहाँ पर कर देना है। उसके बाद जो शेयर नाम है उसे भी हम क्या करेंगे, इस तरह से सिलेक्शन क्रिएट करके लेयर फॉर्म सिलेक्शन कर देना है और उसके बाद नीचे वाले लेयर पर टैप करके पेंसिल वाले आइकन पर जाके क्लियर यहाँ पर कर देना है। उसके बाद शेयर को सिलेक्ट पिक्सल करके ग्रेडिएंट यहाँ पर अप्लाई कर देना सेम। उसके बाद इन दोनों लेयर को आपको मर्ज डाउन कर देना है और जो नाम है उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको साइड में यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो इसको भी यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो एक कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करना है, फोटो लेयर में जाना है और इस वाली एक आपको पेपर की पीएनजी बोल सकते हो उसे ऐड कर देना है और ग्रेडिएंट आप कुछ इस प्रकार का ऐड कर देना है सेलेक्ट पिक्सल करके, नहीं तो आप सीएन कलर में आप क्रिएट कर सकते हो आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये कर देता हूँ। उसके बाद फिर से फोटो लेयर में जाके इसको भी हम ऐड कर देते हैं, सेलेक्ट पिक्सल करके एंड में और जाके ग्रेडिएंट में जाना है और ये ग्रेडिएंट यहाँ पर अप्लाई कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो वेट फॉर एंड है तो वो थोड़ा सा ऊपर चला गया है, इसके लिए हम पोजीशन में जाके कुछ इस तरीके से नीचे साइड में हम प्लेस कर लेते हैं। सो ये हो गया। उसके बाद ऊपर वाले लेयर पर टैप करके प्लस में जाके फोटो लेयर में जाना है और इस वाले एक आपको डॉट डॉट की पीएनजी देखने को मिलेगी उसे ऐड करके सेलेक्ट पिक्सल कर देना है, ऐड में जाके ग्रेडिएंट में जाके उस तरीके से अप्लाई कर देना है। अगर आप सीएन कलर में कर रहे हो तो कलर चेंज करने की कोई बात नहीं, जो कलर है वो रह सकते हो। उसके बाद इसको डुप्लीकेट कर देना है लेयर वाले प्लस वाले आइकन पर जाके, उनको जिस तरीके से यहाँ पर आपको प्लेस कर देना है। उसके बाद फोटो लेयर में जाना है फिर से और यहाँ पर एक एरो की पीएनजी देखने को मिलेगी उसे यहाँ पर ऐड कर देना है, व्हाइट कलर में देखने को मिलेगी उसे यहाँ पर प्लेस कर देना, ठीक है। उसके बाद फोटो लेयर में जाना है वहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको एक लाइन की पीएनजी देखने को मिलेगी उसे भी यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करना है। उसके बाद सेलेक्ट पिक्सल करके एंड में जाके ग्रेडिएंट में जाना है और सेम कलर अप्लाई कर देना है। उसके बाद वेट फॉर एंड को उसके साइड में इस तरीके से यहाँ पर आपको मिडल में इस तरीके से प्लेस कर देना है पोजीशन में जाके और एरो को भी इस तरीके से, ठीक है। तो देख सकते हो फाइनली कितना बड़ा हमारा ओवरले यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद क्या करना है, लास्ट चीज़ जो हमारे ऊपर एक पेपर की पीएनजी भी हम बोल सकते हो उसे ऐड करके ग्रेडिएंट में सेम ग्रेडिएंट यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो देख सकते हो कितना बड़ा हमारा यह ओवरले यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद इस वाले आइकन पर आपको टैप कर देना है जो कि एरो दिख रहा है, सो इस वाले एरो को टैप करके सेव कर देना है और उसके बाद क्या है, इस वाले आइकन पर टैप करके इसे सिलेक्ट करके आपको जेपीजी है तो यहाँ से पीएनजी में आपको सेव कर देना है। सो देख सो तो कितने समय में हमें एक अच्छा सा ओवरले हमने क्रिएट किया है। सो वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।